सफ़र सफ़र की एक बहुत ख़ास बात होती है। सफ़र में हर एक तराने, हर एक मंजिल का एहसास होता है। आप इस दृश्य में देख रहे हो कि हर एक आदमी, हर एक मनुष्य इस टाइम सफ़र की प्रगति पर है। कोई सफ़र कर रहा है कहीं जाने के लिए, कोई सफ़र कर रहा है किसी को पाने के लिए, कोई सफ़र कर रहा है कोई एक एहसास लेने के लिए। और हम भी सफ़र पे हैं आपको एक दृश्य और एक मनोरम जर्नी दिखाने के लिए, जिसका नाम है सफर, जो शुरू होता है यहाँ से। लास्ट वाले व्लॉग में वो बीटी हो गई थी, पुलिस वालों ने रोक लिया था, फिर हमने हम लोगों को बांगल डाम्बल बैंगल डाम्बल बैंगल। आप लोगों ने हमारा लास्ट व्लॉग देखा जहाँ पर हमें पुलिस वालों ने रोक दिया था, क्योंकि हमको भाखड़ा और नंगल डैम पर जाने के लिए एक परमिशन चाहिए होती है। वो हम लोगों ने मिस कर दी थी क्योंकि हमें पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं थी। मैंने वो जानकारी आपको उस व्लॉग में दी है ताकि आप लोग वहाँ पे जाओ तो वो सब कुछ तैयार करके रखो। उसके बाद हम लोगों ने अपना दूसरा पड़ाव स्टार्ट किया, जहाँ से आप लोग ये रोड देख रहे हो, ये सारा ऊना हाईवे है, जहाँ से हम लोग ऊना हाईवे से लगेंगे। ये जो नंगल है, नंगल एरिया है, इसको नंगल एरिया कह देते हैं। वो नंगल एरिया लगभग ये 20 से 22 किलोमीटर का करीब हम लोगों ने कवर करना है। उसके बाद हम ऊना के लिए डाइवर्जन लेंगे। अगला पड़ाव हमारा बाबा गरीबदास जी की यात्रा का है, जो कि एक फ्लोटिंग टेंपल है जिसके चारों तरफ झील है। हम वहां पे उसको आपको दिखाएंगे। जाने दिया। भाई ये कुरलिया का एरिया पड़ता है, मतलब जो हम लोगों का मेन था वो हम लोगों ने छोड़ दिया था, वो हाईवे हम लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद में हम लोगों को जाते स्ट्रेच ले लेके भगानी पड़ रही है, और ज़्यादा कंटिन्यूसली राइड कर रहे हैं और अच्छी स्पीड पर राइड कर रहे हैं, क्योंकि भाई दिन तो छोटे होते हैं और अगर टाइम से नहीं जाएंगे तो आप लोगों को दिखा भी कुछ नहीं पाएंगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि दिन दिन में चले जाएँ, तो इसलिए बहुत सही से भगाना पड़ रहा है। एक जो मेन चोपला आया था मैंने आप लोगों को दिखाया, उससे हम लोगों ने टर्न ले लिया था। जो अपना मेन हाईवे थे ना, वो हम लोगों का चंडी देवी और मंडी की तरफ ले जाता था। मंडी से ये मंडी वाले हाईवे से कट राइट हैंड हमने कट लिया था, तो ये सारा ऊना का एरिया पड़ जाता है। और यहीं से ही हम लोगों की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है। मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया, जो मारे रा में साथ सांस लेता गया। ये वाले रूट में देखो कितनी लंबी ऊपर चढ़ाई है, और अब हम लोग यहाँ से इस वाले रूट पे निकल रहे हैं, बोल जोंगीपंगा टांडा मोड थाना कला। और पहाड़ों का ये मजा है यार, खतरनाक पहाड़ है यहाँ पे जैसे। और ये देखो ये मजा है, बाइक बंद कर दो और चलती जाएगी। पर यहाँ पे ना ये वे वाले पहाड़ है जैसे हम लोगों ने मसूरी में देहरादून में देखे हैं ना, हरियाले वाले पहाड़ नहीं है, पत्थर वाले पहाड़ है यहाँ पे। और ये यहाँ पे इस वाले एरिया से हम लोग जा रहे हैं। मैं लोकल का अगर नाम बताऊं तो पता नहीं क्या है, बाद में देखते हैं। ये लोग बहुत तेज जा रहे हैं। तो कह दो ना हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना। भाई ऐसी ऐसी जगह आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ट्रेंड आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। भाखड़ा, सुनहल, टांडा, विरासती, ये सब एरिया आ रहे हैं और हम चले जा रहे हैं। ठंडी हवा आना शुरू हो गई है, शरीर को सुन्न कर दे रही है, लेकिन हम लोग चले जा रहे हैं। लेकिन जो ठंडी हवाओं के बीच में हल्की हल्की सुनहरी धूप आती है ना, शरीर को ये अच्छा फील कराती है। ये जज्बात में खो लेना, ओ मेरी हेर, ओ ना खफा, ओ मेरी हेर, जलना रुला ना कर आफरा, लबरेज कर ना बिजा, दिल मेरा। देखो कितना ऊपर की चढ़ाई है, ऊपर की, और ये पूरी की पूरी डैम चढ़ाई हो ब्रो, एक नंबर फीलिंग आती है। स्प्लेंडर प्लस भी ना भाई बाजी जीत मारती है सही में। दिल मेरा दुआरा, दिल मेरा दुआरा, दिल मेरा। देखो दोस्तों, पहाड़ों की चढ़ाई के लिए और पहाड़ों की राइड में जाने के लिए आपको बहुत चीजें सोचनी पड़ती है। आप लोग शुरू तो कर देते हो, देखो जहाँ पे राइडिंग की बात आती है वहाँ पे एक्साइटमेंट में और चीज़ें
तेजी से हम लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जितनी ये अब खूबसूरती दिखाई दे रही है हम लोगों ने उतनी ही मेहनत करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत चीज़ें देखकर, बहुत ट्रैफिक से, बहुत शोर से, बहुत लंबा ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो इतना हमें सुकून फील हो रहा है, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। यहाँ की हर एक पत्ती से मैं अगर बैठ के बातें करूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। इसकी ऐसी कंडीशन नहीं है जो पहाड़ों में चले। मैं बहुत अभी सुनहाल ये आया सनहाल आया है सनहाल मेरे प्राण मेरे आगाज कर उनवान दे अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान खाम खा चला चला उड़ बढ़ता गया। आप लोग खुद देखो यार कितने प्यारे नजारे हैं, पत्थर ऐसे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन रोड आप लोगों को दिखाऊं, रोड अच्छी बनाई हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ना अभी भी ऐसी रोड है, ऐसे एरिया है जहाँ पे रोड सड़क आज तक नहीं पहुँची है। और ये हम लोग पहाड़ को चीरते हुए जा रहे हैं एक अलग मौसम के साथ, एक अलग फीलिंग के साथ, स्पीड अलग हो रही है और मेरा वाइजर भी बार बार गिर रहा है कभी कभी। एक बीच में अभी मेमोरी भी फुल हो गई थी, मेमोरी फुल हो गई, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा डिलीट किया आइटम। ये लोगों के काम चल रहा है, मेहनती लोग हैं, ये करते हैं मेहनत तो हम लोग ऊपर पहुंच पाते हैं। और भाई हर जगह रोड चल रही है, अच्छी है, लोग यहाँ पे रहन सहन भी कर रहे हैं, लोग इतने घूमने नहीं आ रहे हैं, इतने ट्रैफिक नहीं है, पहाड़ों की यही खूबसूरती है। जो गाए जैसे कोयल गुनगुनाते हुए तुम तारे टिमटिमाते वैसे अंगना में तुम आए सारी कायनात मुस्कराए। मैं आया था रायपुर के एरिए में और मैं अभी जस्ट खड़ा हुआ आके पहाड़ों के बीच से चीरती हुई ये सड़क मुझे लेके आई कहाँ 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 कहाँ, वो आप लोग देखना आगे के व्लॉग में। टिल देन अगर व्लॉग पसंद आया तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो बताना जरूर, हिमाचल की कोई और लोकेशन हो बताना मुझे, हम लोग कवर करेंगे और हिमाचल के सारे ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे। जन्नत है आगे आने वाले व्लॉग में, देख के जरूर जाना आगे आने वाला व्लॉग देखना। मैं खुद अचंभित रह गया, मैं रिकॉर्ड ना करके इसको देखना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले व्लॉग में देखना आप जन्नत।